बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज पकाने लगे हैं चिकन पुलाव। 1-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था और जिसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज डाल दी थी, वो ब्राउन हो गई है। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था और इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी और इसकी अच्छी तरह से हम कर लेंगे बुनाई। अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, 1 kg मैंने चिकन ले लिया है और चिकन की मैं अच्छी तरह से कर लूँगी बुनाई। और देखा, अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने 4 दर्द ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसी के साथ बुनाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर के ले लिए हैं। और अब मैं इसी अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। बुनाई करने के बाद मैं इसमें अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है और कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें साबुत खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। गरम मसाला मैंने साबुत खड़ा ले लिया है और धनिया दालचीनी ले ली है और बड़े वाले जो फूल होते हैं जलपत्री के और वो डाल दिए हैं। और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी। अब मैं कर रही हूँ इसकी अच्छी तरह से बुनाई। और 5 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। उसी के साथ मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और इसमें 2 टेबल स्पून इसमें नमक के ऐड करेंगे। और इसके हमें पकने के लिए रख देंगे इसे। इसका पानी ड्राई होने तक मैं इंतज़ार करूँगी। पानी इसका ड्राई हो गया है और अब मैं इसे रख दूँगी दम पे। 5 से 10 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे। इसके बाद पुलाव हमारा रेडी हो गया है।